क्या आपको पता है माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा डेंजरस मॉब कौन सा है? अगर आप सोच रहे हो कि एंडर ड्रैगन या माइनक्राफ्ट का सबसे डेंजरस मॉब, तो आप लोग बिल्कुल ही बिल्कुल गलत हो। अगर आपको जानना है कि माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा डेंजरस मॉब कौन सा है, तो गाइस इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना। तो गाइस जल्द से वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो नंबर सेवन पर अपना नाम आता है गाइस ज़ोमिफाइड पिगमेंट। ये बेसिकली नेदर के अंदर पाए जाते हैं और बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप इसे कुछ बोलोगे उसके बाद ही ये आपको मारेगा, मतलब न्यूट्रल टाइप मॉब होता है। अगर आप इसे हिट करोगे उसके बाद आपको हिट करेगा, और बहुत ज़्यादा एनोइंग मॉब भी होता है। अगर नेदर में चलते चलते गलती से भी उसके शरीर में टच हो गया ना, तो पूरा खानदान आके उसका मारने लगेगा। नंबर सिक्स पर अपना नाम आता है द वन एंड ओनली क्रीपर। क्रीपर तो किसी को नहीं पता, क्रीपर जब आप कोई नया घर बनाते हैं उसके बाद पीछे से आके क्रीपर आके फूस जाता है, आपका नया घर बिल्कुल ही बिल्कुल तबाह हो चुका जाता है। और अगर आपके पास क्रीपर फूटता है तो आप भी पूरे के पूरे तबाह हो जाते हैं, आपके चीज़ें भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो गाइस क्रीपर क्रीपर तो क्या ही बोला, क्रीपर के बारे में आप जानते हो, तो क्रीपर के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। नंबर फाइव पर गाइस अपना नाम आता है पिगलिन ब्रूट। पिगलिन ब्रूट पाया जाता है बेसिन के अंदर, और बेसिन बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। और बेसिन का अंदर अगर आप गए, तो अगर आप गोल्ड का सामान भी क्यों ना पहना हो, आपके ऊपर अटैक करेगा झुंड से। और इसके हाथ में एक गोल्ड का एक्स रहता है और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है। अगर आपको एक शॉट करेगा तो आप वन शॉट भी हो सकते हो, अगर आप आर्मर नहीं पहनेंगे तो। अरे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मॉब होता है, और आपको जब मार देगा तो एयरबल झिंगा लाला वाला डांस भी करेगा। तो ये है गाइस सबसे ज़्यादा डेंजरस 5 नंबर। तो नंबर फोर में अपना गाइस नाम आता है फैंटम। फैंटम क्यों? क्योंकि अगर आप माइनक्राफ्ट की दुनिया में 3 दिन नहीं सोते हो, तो आपका वर्ल्ड में फैंटम आ जाएंगे और फैंटम आपको हवा में उड़ उड़ के मारेंगे। बहुत ही ज़्यादा एनोइंग है, आपको हवा में उड़ उड़ के मारता है, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस और बहुत ज़्यादा एनोइंग मॉब भी। अगर आप इसे मारते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मारने के बाद ही मारेगा, समझ रहे हो ना गाइस। तो नंबर थ्री पर अपना नाम आता है वार्डन। रिसेंटली ऐड, मतलब अभी गेम में पूरा तरीके से ऐड भी नहीं किया गया, पर अभी ऐड कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मॉब है माइनक्राफ्ट का। अगर ये आपको मारता है, अगर आप फुल नेदर का आर्मर में कवर भी हो, अगर ये आपको मारता है तो आप 2 शॉट में मर जाते हो। तो नंबर टू में अपना नाम आता है एंडर ड्रैगन। क्या तो रुको मैं बताता हूँ। नंबर 2 में एंडर ड्रैगन, इसे एंड में पाया जाता है। अगर आप एंड ढूंढ के एंड पोर्टल के छू जाते हैं, उसके बाद इसे मारना है। एक बॉस मॉब होता है माइनक्राफ्ट का, और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी होता है। नंबर वन पे अपना नाम आता है गाइस वन एंड ओनली विदर। तो मैं आपको बता देता हूँ, विदर भी एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मॉब है माइनक्राफ्ट का। क्योंकि 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 विदर, अगर आपके बेडरॉक एडिशन खेलते हो तो बेडरॉक एडिशन में विदर का हेल्थ होता है 500 HP, और बेडरॉक एडिशन में एंडर ड्रैगन का हेल्थ होता है 200 HP। तो गाइस विदर का हेल्थ पॉकेट एडिशन में, मतलब बेडरॉक एडिशन में बहुत ही ज़्यादा होता है, और जब एडिशन में कम। अगर जावा एडिशन पॉकेट एडिशन से देखें तो सबसे ज़्यादा डेंजरस मॉब होता है अपना विदर।